आज मैं पहले एज अ जर्नलिस्ट एज अ पैनल एज अ जर्नलिस्ट मैंने पैनल डिस्कशन किया एज मेन एंकर ऑफ द शो. जेम्स बॉन्ड 007 नाम तो सुना ही आपने, बहुत ही फेमस हॉलीवुड का सीरीज है. और आज जेम्स बॉन्ड सीरीज के साथ मेरे साथ एक हादसा हुआ है, हादसा एक बहुत इंटरेस्टिंग. Guys, I was watching a movie James Bond series का, that is the Casino Royale. शायद लगभग 2006 में ये movie release हुआ था. I was so kid that time, school में पढ़ता था शायद that time. तो उस time में actually I was very much fond to watch the action movies. तो मैंने ये Casino Royale James Bond series का ये movie देखा था आज से 14 साल पहले, means 14 years ago. और यकीन मानो उस time मुझको बहुत ही मीन्स फालतू का ये मूवी लगा, बहुत बोरिंग लगा. बिकॉज इस मूवी में एक्शन बहुत ही नॉमिनल है, मीन्स 50% एक्शन और 50% कैसीनो में जुआ मुआ खेलने का सीन था. सम कॉन्स्पिरेसी कैसीनो में कैसे जुआ को जीता जाता है, ये सब अबाउट द दैट. तो उस टाइम 50% मूवी मेरा दिमाग के ऊपर में गया था, तो आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो मैंने एक कंक्लूजन बनाया था, ये मूवी एक फालतू का मूवी है, मुझको देखना नहीं है. तो आज मैं क्या हुआ पता नहीं, जेम्स बॉन्ड सीरीज का मूवी डाउनलोड करते करते ये मूवी पे पूरा सीरीज होता है ना एक साथ टोरेंट से डाउनलोड किया जाता है, आई हैव डाउनलोडेड द एंटायर सीरीज. तो बाय गॉड आई हैव सीन दिस मूवी आफ्टर 14 इयर्स 14 साल बाद. एंड द मूवी इज जस्ट रॉकिंग, जस्ट रॉकिंग. एक्चुअली होता ना कुछ ऐसा मूवी है जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ता है. कंक्लूजन ये है, तो उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था टू अंडरस्टैंड दिस लेवल मूवी. अब थोड़ा सा मैच्योर हो चुका हूँ, समझ में आ रहा है ये सब, ये वाला मूवी तो समझ में आ रहा है. तो ट्रस्ट मी गाइज, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर इन माई लाइफ. द कैसीनो रॉयल को मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, आई फील सो गुड. एंड 14 साल पहले का ये मूवी है, अगर आप में से बहुत सारे लोग देखा नहीं क्योंकि 14 साल पहले तो हम लोग इतना हॉलीवुड मूवी शायद आप लोग नहीं देखते थे. अगर नहीं देखा है गाइज ये मूवी तो देखो, जेम्स बॉन्ड सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है कैसीनो रॉयल. अभी चलिए आपको एक दूसरा बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही यू नो खास एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ. जेम्स बॉन्ड मूवी का तो पार्ट हो गया, आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हुआ, दैट इज अबाउट आज मैं पहले एज अ जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट मैंने पैनल डिस्कशन किया एज मेन एंकर ऑफ अ शो. एक्चुअली मेरा एरिया में, एक्चुअली आई लिव इन कोलकाता. कोलकाता में एक बहुत ही बड़ा एक फेमस ऑनलाइन चैनल है जिसका नाम है रात दिन 24/7. उस चैनल का जो एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटर है मेरा थोड़ा जान पहचान मेरे दोस्त लोग है. एक्चुअली आज दोपहर को मुझको कॉल करके बोला, भाई आज हम लोग का जो मेन एंकर है ही इज नॉट कमिंग, उसका थोड़ा सा इशू हो गया है, तू थोड़ा सा लाइव में एंकरिंग कर दे, लाइव चैट शो में पैनल डिस्कशन एंकरिंग कर दे. बिकॉज अभी बहुत ऑनलाइन चैनल में क्या कर रहे हैं, इवन ललन टॉपिक बहुत हिंदी फेमस चैनल है, उसमें क्या हो रहा है, वो लोग घर में बैठे थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस वाला जो ऐप है उसके हेल्प से दे आर डूइंग द पैनल डिस्कशन. होता है ना पैनल डिस्कशन, एक एक ब्लॉक करके चार पांच गेस्ट लेके जो डिस्कशन होता है एक एक इश्यूज के न्यूज चैनल के ऊपर. तो आज मैं प्रोफेशनली एक बहुत ही बढ़िया चैनल में एज अ एंकर एज अ मेन जर्नलिस्ट मैंने काम किया. तो चलिए पहले थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए टॉपिक के ऊपर और ये वीडियो थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आगे के इश्यू आगे के बाद मैं आपको बता रहा हूँ. এবং এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের রিপোর্টার হিমাদ্রী হোসেন. देखा दोस्तों भाई को कैसे मैंने आज शो किया. एक्चुअली आई एम दिस इज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ. तो आज मैं बहुत खुश हुआ, आई एम डैम हैप्पी फॉर दिस. पहले तो बहुत डर लग रहा था एक्चुअली, टेंशन के मारे दोपहर 1:30-2 बजे मेरे जो दोस्त मुझको फोन करके बोला विशाल आज तुझको ये लाइव करना है, तो उसके बाद तो दोपहर का नींद चला गया टेंशन के मारे. आई वाज डूइंग सम रिसर्च वर्क बिकॉज आज का जो टॉपिक था दैट इज ऑल अबाउट द लॉकडाउन जो 4 आने वाला है अब 2-3 दिन बाद उसका क्या होगा. तो मैंने जो नेशनल चैनल था उस सभी चैनल को मैंने देख लिया, उसको जो ब्रेकिंग हेडलाइंस है देखकर मैं खुद की तरह एक ओवरऑल एक नोट एक बना लिया 8-10 पॉइंट का. उसके ऊपर आई मेड दिस शो और शो खत्म होने के बाद यकीन मानिए देयर वाज अ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हियर, एक बहुत ही कूल टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक अच्छा लग रहा था. एज अ जर्नलिस्ट आई डिड अ फर्स्ट शो एवर इन माय लाइफ एंड आई एम फीलिंग सो गुड. और उसके बाद मैं कॉल करके फोन करके शो खत्म होने के बाद मैंने फीडबैक लिया, भाई कैसा हुआ,
लोग बोल रहे थे भाई तू तो बहुत ही कमाल का शो करता है, व्हाई डोंट यू बी अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल एंकर इन इन आवर चैनल। तो जब तक लॉकडाउन है तू घर में ही ऐसे बैठे बैठे तू शो को थोड़ा सा पैनल डिस्कशन में तू पूरा कोऑर्डिनेट कर दे, एंकरिंग कर दे, तेरा बोलने का स्टाइल अच्छा है, इट्स ओके फाइन। मैंने बोला ओके गुड, मेरा भी थोड़ा सा पैसा वैसा चाहिए, आपको तो पता है सब कुछ बंद हो चुका है, तो आई नीड सम मनी। दे आर रेडी टू पे फॉर दैट ऑल्सो। तो गाइज इट इज अनदर एक्सपीरियंस, भाई आई एम डैम हैप्पी टुडे। तो आप लोगों के साथ विदाउट शेयरिंग विद यू, आप लोगों को अगर नहीं बताता तो एक्चुअली मेरा जो यू नो पेट के अंदर ही मैं कुछ रख नहीं सकता हूँ, आई शेयर ऑल द इवेंट्स विद ऑल ऑफ यू एज अ डेली ब्लॉगर, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर। सो गाइस ये दो इंसिडेंट हुआ, एक कैसिनो रॉयल, एक रॉयल, और एक दूसरा ये जो जस्ट जर्नलिस्ट वाला इंसिडेंट। तो ऐसे ही कुछ बात नहीं, दो इंसिडेंट हुआ, आप लोगों को शेयर कर दिया। अगर थोड़ा सा अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अभी तो मैं एंकर बन चुका हूँ, जर्नलिस्ट बन चुका हूँ इन अ न्यूज चैनल, तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।